हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है और एकदम रोड साइड फ्रेश हो रहे हैं, क्योंकि आज हमें वैसे तो टाइम नहीं मिला कि हम रुक के कहीं पे फ्रेश हो, क्योंकि हमने डायरेक्टली ये प्लान किया है कि हम यहाँ से निकलेंगे गाँव के लिए। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, थोड़ी देर रास्ते में रुके, मुँह हाथ धोया, और रजत इनफैक्ट ब्रश भी कर रहा है अभी। और अब हम यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं रजत के मम्मी पापा के घर, और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ है अभी तक कि हम आ रहे हैं। सो पता नहीं अभी आगे क्या होने वाला है। आप तो ये सोचोगे सिर्फ एक ब्लॉग ही तो आ रहा है, क्या हो रहा है, बट हमारे लिए इतनी सारी फीलिंग्स हैं, इतने सारे इमोशंस हैं इस टाइम पे। एंड आई एम श्योर मम्मी पापा तो मतलब एक मिनट के लिए तो परेशान हो जाएगी, आए कहाँ से। रजत ने पहली बार इतनी बढ़िया एक्टिंग करी है, मतलब बिल्कुल भी हिंट नहीं होने दिया है मम्मी पापा को। तो चलो अब चलते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। रजत फिर से अपनी मम्मी को कॉल करने लग गया। मैं इतना मना कर रही थी मत करो, तभी मैं कर रहा हूँ, जरा भी शक ना हो तुम्हारी एक्टिंग पे, मुझे शक हो जाएगा। पर मैं पता क्यों कर रहा था कि सुबह तो पूछा ही नहीं मैंने, गला कैसा है, आप बता रहे थे गले में दर्द थी। ठीक हो गई हो? बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट। इनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी। अब आएगा असली मजा। मेरी बेटा, ओ ले 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 ले, देख रोजी फोन से भी चुप करा दी। रजत बोल रहा मैं हूँ, बोलता हूँ मेरा कौन, मेरा नहीं मतलब रजत का कॉन्फिडेंस तो देखो। चुप हो गई। आज दिन में रोहिंदी ने कम से कम हमको 5-6 बार कॉल कर दी, जब से हम गए तब से बार बार कॉल किए जा रही है। तो अभी वेदा को दिखा रही थी और रो रही थी, तो हम ऐसे उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। नीचे मैच चला है। मैं तो इतने देर से जैसे जब गांव क्रॉस कर रहे, खेत दिख रहा है, सरसों खिली हुई है, तो मेरे दिमाग में वो गाना चल रहा है, धरती सुनहरी अंबर नीला। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं मेरे गांव, मतलब यहां से लिटरली ऐसे 5 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में। और एक्चुअली हमको ये आज ऐसा क्यों करना पड़ा इतना थकान के बावजूद भी, बिकॉज हम चाहते थे कि आज जब व्लॉग आए उससे पहले ही हम पहुंच जाए मम्मी पापा के पास। और हमको धर्म संकट ये हो रहा था कि आप लोगों के व्लॉग टाइम पे भी डालना है और मम्मी पापा से भी सरप्राइज होना, तो करे तो करे कैसे करे, तो हमने ये सोचा कि हम पहले मम्मी पापा के पास ही चले जाते हैं, ताकि व्लॉग भी ना रुके। एग्जैक्टली, मम्मी पापा का सरप्राइज भी खराब ना हो। तो अभी तक बेसिकली ये व्लॉग आया नहीं है जो हम ट्रैवल वाला व्लॉग डाल रहे हैं कि हम वापस इंडिया आ गए, तो ये अभी मैं एडिट ही कर रहा हूँ साथ साथ, और ये व्लॉग शाम को आएगा 6 बजे। बट हम उससे पहले ही घर वालों से मिल लेंगे, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है। अब हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, एक मोड़ और है ना रजत, हाँ, नीचे मुड़ने के हाँ। लिए, तो वहाँ पे मैं भैया को रुकने के लिए बोल दूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में पता है क्या आइडिया आ रहा है। क्राइम मास्टर गोगो इतनी देर से सोच ही रही थी कि क्या करना है, मैंने सोचा गाड़ी पीछे रोक देंगे और ये जो पीछे इतना सारा सामान है ना, ये भैया को बोलेंगे ऊपर चढ़ा दो गाड़ी में, ताकि मम्मी पापा के लिए भी जगह हो जाए। और प्लान ये है कि मैं और रजत यहाँ से घर पैदल जाएगी, ताकि मम्मी पापा को बिल्कुल ही आइडिया ना हो कि गाड़ी आई है, कौन आया। नहीं नहीं, नीचे भी जाएगी ना गाड़ी तो भी मम्मी पापा को बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा। नहीं, गाड़ी तो घर के पास ही जाएगी। नहीं रजत, मैं बोलती पैदल जाते, नहीं फिर भी हिंट हो ही जाते, दिखते हैं कि भाई कोई तो आया है, फिर देखने के लिए क्या पता झांक जाए। मेरे को बिल्कुल ऐसे घर के अंदर जाना और उनको ऐसा करना है, इसलिए भैया यहाँ से नीचे जाना है। देखो सामने घर दिख रहा है, ये मुझे पैदल चला रही है पागल लड़की, बोला कोई नहीं सुन रहा है ना वो घर के अंदर, ज्यादा शांति है ना कि मुझे तो ऐसा लग रहा है वैसे ही चली जाएगी, कोई नहीं जा रही आवाज। देखा मैंने बोला था ना रजत, सुनते ही आवाज से बड़ी तो गाड़ी लेकर चलते हैं। रुक जाओ अभी, चलो बस इतना टाइम नहीं लेना, अब चलते हैं, इससे बड़ी गाड़ी नहीं जाते। प्यार कॉमेडी हो गई। हम जैसे उतरे थोड़ा चलने लगे और सामने से पापा निकल गए बाहर, रजत कहते हैं इससे अच्छा तो गाड़ी में ही गए होते। तो मैं कहा ठीक है, कम से कम गाड़ी में घर तक ढके तो रहेंगे, चलो इसलिए हम वापस आ गए। चलो इसलिए मैंने बोला था कि गाड़ी में ही चलो। यार मुझे ये था कि घर तक हम ऐसे जाने चाहिए कि पता भी नहीं लगना चाहिए, गाड़ी के शोर से पता लग जाता है कि कोई तो है। सो अब चलते घर तक की गाड़ी में। बहुत खड़े है रजत, व्हाइट कलर का डॉगी भी आया है झाड़ियों के पास, वो देखो चले गए, चले गए पीछे को। क्या पागल है।
चल रहा हूँ भैया, खुश होती है अपने रुका, मैं हूँ मालिक क्या का पीछे थे कसम से क्या बस यही नहीं जल्दी पे आ जा मम्मी मेरी तो चली गई धारणी हो रही कैसा लगा मेरा सरप्राइज जल्दी सामान पैक करो अब शिमला जाना चलो चलो सामान पैक करो अभी गाड़ी वाला वेट कर रहा है जल्दी करो घर पे चोर आ जाए आप लोगों को कोई मतलब नहीं है रोजी जी इंडिया आ जाओ देखो आपके लिए अचार बनाया मम्मी ने वीडियो कॉल पे ना मम्मी भी थे तो मम्मी मतलब ऐसे अचार बना रहे थे तो रोजी ने बोला था कि मेरे को गाजर का अचार पसंद है मेरे लिए बनाना और देखो बोलने दे रुकी मम्मी को अभी तैयार है चलो मम्मी पापा फटाफट से तैयारियों में लगे कि चलो दूध वाले को मना कर दो ऐसा कर दो और सारी पैकिंग हो गई है ये गुलाब की कलमे है ना वाह बोलिया देखो कितनी बड़ी हुई है वहाँ पे देख ये होते हैं मुंगरे ये मूलिया है ये है मुंगरा मुंगरा कहाँ है बट ये देख इधर लगे इधर लगे ये देख छोटे छोटे मुझे भी अच्छा लगता है मैंने नहीं खाया ये कभी इसको कच्चा खाना है हाँ हाँ तो पकाओगी अभी बढ़िया होता है इसमें सीड्स भी होता है ऐसा लग रहा मूली खा रही हूँ मूली निकालनी तो नहीं देख तू कितनी बाहर आ गई है मम्मी मूली के परांठे बनाएंगे एक ले चलते हैं यहाँ से अभी ये मूली है ना है मैं और निकालती हूँ मेरे को अच्छा लगता है
अभी ये जब को हम आएंगे ना वापस सबको पक जाएंगे बढ़िया से, मतलब अभी हुआ नहीं है, मुझे लगता है ओवर राइप हो चुके हैं। गाइस आर यू कमिंग? दोनों बच्चे रेडी है, 10 तक किनो आ जाएंगे। भाई मैं निकल रहा हूँ नहीं तो, अब मेरे को एडिट भी करना है। हाँ। मेरे को शिमला मेरा फोन भी लेना है। पापा ने तो शूज भी पहन लिए, लो जी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मेरे को शिमला मेरा फोन भी लेना भाई। हाँ, जल्दी तो इसकी है रजत को। सब सबके सरप्राइज एक चीज है। आते मैंने फोन कर दिया कि रेडी रखो मैं आ रहा हूँ लेने। चार्जर तो नहीं डालो, चार्जर अपने अपने डालो फिर आप लड़ते हो। नहीं नहीं हम नहीं लड़ते, कभी लड़े। आंवला कैंडी? हाँ ये मैं आपके लिए इसलिए लाई हूँ ताकि आप इस तरह की आंवला कैंडी बना के खिलाओ। जरूर बनाऊंगी। ये तो आप ही की है, मेरी है। अच्छा अपनी अपनी है? या अपनी अपनी है। आप पापा के साथ शेयर कर सकते हो वैसे। मम्मी जब ऐसे देखते हैं ना कि हम बाहर से खा रहे हैं तो मम्मी को और प्रेरणा मिलती है कि हम घर पे बनाएं, तो इसलिए मैंने मम्मी को ये खिलाया। ये मेरी एक चाल थी। इस बार ही तो मैं बना नहीं पाई ना क्योंकि यहाँ थे नहीं आंवले इस बार। तो नेक्स्ट टाइम पक्का पक्का सब चीज कई किलो बना लूंगी। एक बार ही कोटा रहेगा। एक बारी ना मम्मी को ना है, अभी मम्मी कह रही है कि मेरे को ये सपना ही लग रहा है। सपना ही लग रहा है सच्ची। मैं खुद पापा को देखा मैंने हंसते हुए आज। हाँ, मैंने भी पहली बारी पापा की इतनी बड़ी हंसी देखी। पापा उस दिन रजत तुम लोग गए थे ना, उस दिन रजाई में रो रहे थे। पापा क्या बेचारे भैया खुद खज्जल हो गए कि हो कह रहा है, ऐसे कहीं को छुप रहे हैं ये लोग। कुछ देर तो हमने तगड़ा तमाशा किया। मतलब किस जानने वाले की गाड़ी थी ना रोकी मेरे पास उस दिन। मतलब ये ना जब तुम लोग गए थे उस दिन तो रो रहे थे चुपचाप रजाई में। पापा का क्या बता रहे हो आप मुझे? मैंने आपको भी देखा, मैंने आपको भी रंगे हाथ पकड़ा था। कब? जब मुझे अच्छे से याद है इनको हमने नान का छोड़ा था मम्मी को। अच्छा। और मैं समझ गई थी मम्मी की भी टंकी शुरू हो गई है। भगवान ने कुछ सोच के मिलाया हमारे। जैसे मम्मी बोलते हैं ना मेरे मम्मी कि मेरी और रजत की जोड़ी, मतलब मेरी और रजत की नहीं, मेरे मम्मी और रजत की जोड़ी तो बहुत अच्छी है, भगवान ने देख के बनाई है, रजत मेरे जैसा ही है। वैसी मेरी और आपकी जोड़ी भी भगवान ने देख के बनाई है जैसे ही हूं। लग रहा है मुझे भी दर्द हो रही है। सच में टांग में हो रही है पर मुझे। अरे नहीं मम्मी मैं तो इसे छेड़ रही हूँ। इसकी कोको से करवाऊंगा। तो अच्छा लग रहा है घर वापस आके। ऐसा लग रहा है किसके घर आ गए यार। इतनी ज्यादा खुशी हुई और उतनी ज्यादा ठंड भी लग रही है मुझे, मैं तो जम गई हूँ पूरी। शादी में यहाँ से ही चले जाएंगे कभी? वो सरप्राइज का बता देना मेरे को, क्या क्या सोचा था तूने? क्या सामान चाहिए सरप्राइज के लिए हम ले आएंगे। शानू मेरे को खुद सपना ही लग रहा है जानू। इन्होंने हमारे को उठाया घर से। तो हमने तो एकदम से रो किया। जिससे सरप्राइज खराब होने का दुख हो रहा है। हमारे आने की खुशी नहीं है। तू कल आ जा, कल शादी में मिल जाना, हमने तो आना ही सोचा शादी को ना। शिवान तैयार बैठे हैं साथ में। तूने पूछा नहीं इनको सरप्राइज कैसा रहा? पूछो मत रोजी। बिल्कुल भी पता नहीं था, मतलब इतना सा भी नहीं था सब सोच में कि वो लोग आ सकते हैं। वो लोग नहीं, ये लोग हैं अब हम। उस टाइम वो लोग थे ना। तो वेदा कैसे खेल रही है? याद आ रही है वेदा को मेरी? अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता क्या लगा? बता। हाँ रजत को थोड़ी देर पहले ऐसे लगा, बोलता मुझे लगा वेदा रोई है अंदर वाले कमरे को जाने लगा। कर रजत अभी कई दिन सुनाई देता रहा। अरे बात क्या बना है आज? आज बना है सेवैया और कद्दू इन द हाउस। पापा देख रहे हैं व्लॉग
और ये सारा सामान अभी हम करेंगे सेट। बहुत सामान है, मतलब सामान 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 सामान8 घंटे वो फिर उसके बाद दिल्ली टू शिमला 12 घंटे तो लग ही गए उसमें भी। मतलब सोच लो आप ऐसे। मेरा तू थक गई है बहुत, ऐसा लग रहा है तेरे को देख के। ज्यादा मैथ्स मत कर अभी, आई अंडरस्टैंड। इस टाइम पे ना करूं तो इतनी देर से, मतलब हम नॉन स्टॉप चली रहे, अभी खड़ी भी हो तो भी ऐसे लग रहा है। मुझे बस ऐसे ही लग रहा है। चलो खाना खाते हैं, चलो मम्मी, चल चल चलो। ये है भारतीय नारी, कनाडा से क्या लाई। हमारे बैग्स अनपैक हो रहे हैं। A few moments later. जितना हम अभी कर पाए हमने कर दिया। बैग्स से थोड़ा बहुत सामान निकाला है, बट अब हिम्मत नहीं है, कल करेंगे इसको। सो मेरा फोन आ चुका है। एक्चुअली भैया ने घर ही भिजवा दिया था, मैं नहीं जा पाया, और मेरे पुराने वाले फोन में बहुत दिक्कत लगी थी आने। तो यस, अब मैं इसको सेटअप करता हूँ। वाओ, क्या बढ़िया कलर है। नैना, नींद नहीं आ रही है। मैं भी कब से उठी हूँ। लाइट जला लो। तू भी नहीं पता लगा था। मैं तुमको बोला भी। मेरे को नहीं पता चला था। कल रात को तो मेरा हाल ऐसा था कि एकदम डेड खड़ा ही नहीं रह जाता था, कुछ पता ही नहीं चला। सो तुम्हारी नींद कब खुली? 3 बजे। और मेरी भी ऐसे 3:15 के आसपास नींद खुल गई थी। तो मैं तो कब से फोन यूज कर रहा हूँ, तुम्हें पता ही नहीं लगा। मैंने सारा डेटा ट्रांसफर कर दिया इसमें। मैं सोती हूँ जब तो पूरी मुंह के ऊपर रजाई लेके सोती हूँ, और शिमला में यार इतनी ठंड लग रही थी ना मुझे तो, कि क्या बताऊँ आपको, इसलिए मुंह से रजाई नहीं निकाल रही थी। बट इतना अच्छा लग रहा अपने घर में। सही बात, जल्दी उठ जाते मम्मी पापा भी उठ गए होंगे, सोचेंगे इतनी जल्दी उठ गए बच्चे, कितने संस्कारी। आज पहली बार इतिहास में ये हुआ हो, अपने सास ससुर से पहले जाग रही हूँ मैं, 3 बजे जागी। हम कोशिश यही करेंगे रात को भी जल्दी सोए, सुबह भी जल्दी उठे। अब उठ ही जाती हूँ मैं, ज्यादा बातें करूंगी, मेरा मूड बदलता भी है। तू गैस ऑन करियो, देख पापा कैसे भागते हुए आएंगे कि चाय मिल रही है। गुड मॉर्निंग, चाय बना दो मम्मी। उठ के 1 बजे के उठे, क्यों? एक बार रात में खुल गई थी ना मेरी आंख। आपको हमारी याद आ रही थी। हाँ, मम्मी फ्रेश है। मम्मी को तेरी याद आ रही। अब हम नॉन स्टॉप गप्पे मारेंगे। मैं और मम्मी का ये प्लान था कि रजाई में बैठ के ना खूब गप्पे मारेंगे। काफी देर रहना था ना, बट हम सुबह रहेंगे। सब थके थे ना, तो ये वो है जो हमने नायग्रा फॉल्स में लिया था मैग्नेट, और ये मैं थाईलैंड से लाया था। मुझे भरना है पूरा, मैं तो चाहता हूँ कि हम इतना ट्रैवल करें पूरा भर जाए, नया फ्रिज लेना पड़ जाए। मुझे ट्रैवल करके बहुत मजा आता है। गोदरेज की अलमीरा उसमें लगाते रहना। ये 5 बज रहे हैं, मेरे को ये घड़ी देखनी भी नहीं आ रही है। 10 मिनट। हाँ, वैसे तो हमको इस व्लॉग में आपको ये दिखाना चाहिए था कि हम किसके लिए क्या क्या गिफ्ट्स लेके आए, बट रजत अपना ही आपको गिफ्ट अनबॉक्स करके दिखा रहे हैं। एक्चुअली रजत का जब फोन टूट गया था ना, उस टाइम पे ही रजत ने अपना फोन यहाँ पे नया फोन बुक कर लिया था, तो इसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। और रजत अपना नया फोन लेके भी आया है, और ये अभी फिलहाल नए फोन से हम वीडियो बना रहे हैं। मैं कैसी लग रही हूँ जरूर बताना। फिलहाल हम यहाँ पे सारी सेटिंग भी अच्छे से कर लेते हैं। मम्मी भी उठी है, सब कुछ उठा दिया। मम्मी उठ जाते थे। गुड मॉर्निंग। अब हम यहाँ पे सेटिंग करते हैं, रोहिंदी को भी वीडियो कॉल करते हैं क्योंकि वहाँ तो बढ़िया से शाम हो रही होगी ना। और इसके बाद ये सारा काम भी है, मतलब थोड़ा बहुत ताम झाम हमको है ही है। हम आपसे नेक्स्ट और नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, वो तो होने वाला है क्योंकि हम दिखाएंगे ना हम क्या क्या लेके आए। सो यस, और शिवानी कैसे वहां से तड़प रही है। शिवानी को ये हो गई, यार तुम लोगों ने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। और वैसे इसने मुझे बोला था कि तू ऐसा कर, कैसे करके शिवानी को गांव बुला ले। मैं कह नहीं, फंसेंगे हम बहुत। रजत को कि शिवानी को बता देते हैं, पर रजत नहीं माना।
इनफैक्ट एक कॉमेडी बताती हूँ आपको क्या हुआ था. जब हम ब्लू माउंटेन गए थे तो शिवानी की वीडियो कॉल मैं शिवानी को सारा बता दी. शिवानी आपको पता है हम 25 तारीख को आ रहे हैं, ऐसा वैसा सब कुछ बोल दिया मैंने ना. शिवानी को उसी टाइम पे सिग्नल चला गया. शिवानी बोलती क्या नहीं उसे समझ भी नहीं आता वैसे. और फिर वो कहते क्या क्या, मैं कह नहीं कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी. रात में ऐसी होगी थी मैं आ जाऊँ अभी. तो शायद वो भी आज आ जाएंगे. तो आने वाले व्लॉग्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं. उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आई नो ये व्लॉग भी अभी हम ना वैसे भी चीजें नहीं निकाल पाए. ऐसे खुशी मिली कि जिंदगी में पहली बार हुआ मुझे ऐसे ना, मेरा कंपन हट रहा था. साल बढ़ गए. अच्छा चलो थोड़े और साल बढ़ाएंगे जब हम आपका सामान निकालेंगे, बट वो अगले व्लॉग में. और नहीं मम्मी पापा को तो हम थोड़े टाइम में ही दे देंगे, आप लोगों को अगले व्लॉग में दिखाएंगे. सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ढेर सारे कमेंट्स करें और हाँ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून.